फ्रेंड्स, जैसा कि उम्मीद था कि आने वाले समय में 30 जून तक इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू करने को लेकर कोई ना कोई बड़ी सूचना आ जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइटों को रेगुलर तरीके से चालू करने को लेकर कोई भी बड़ी सूचना नहीं आ पाई है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में अनलॉक 2 आज से शुरू किया जा रहा है और यहां पर अनलॉक 2 में ये बताया जा रहा था कि कई चीज़ों को खोलने को लेकर यहां पर परमिशन मिल पाएगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि अनलॉक 2 की घोषणा हुई उसमें अभी तक फ्लाइटों को खोलने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बता दें कि फ्लाइटों के बारे में ये जरूर बताया गया है कि आने वाले समय में फ्लाइटों को बड़े लेवल पर ऑपरेट किया जाएगा और उनको आगे कम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइटों को 45% की कैपेसिटी पर उड़ने की परमिशन दे दी गई है और यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को केस टू केस बेसिस पर उड़ने की परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि कई देशों ने वंदे भारत मिशन को बंद करने का ऑब्जेक्शन किया था और अमेरिका ने यहाँ तक बोल दिया था कि 22 जुलाई से वह अपने यहाँ पर भारत की कोई भी वंदे भारत मिशन की उड़ानों को परमिशन नहीं देगा, लेकिन अभी तक उसको लेकर भी भारत की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अभी भारत का क्या जवाब रहने वाला है यहाँ पर अमेरिका के लिए, उसके लिए भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें आज के लेटेस्ट अपडेट की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम को 4 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वे कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम को 4 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उनके देश को संबोधित करने से ठीक एक दिन पहले यहां पर चाइना के कुछ 59 ऐप्स को भारत में बंद कर दिया गया है, जिसमें एक बड़ा नाम टिकटॉक का भी है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के लोगों की तरफ से बॉयकट चाइना करके बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था, जिसके बाद यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। जो भी हो फ्रेंड्स, आज शाम को 4 बजे हम देख पाएंगे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में फंसे हुए अपने भाइयों के लिए क्या बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। उम्मीद तो बहुत ही कम ही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है।